बीजेपी से इस्तीफा देने के 9 दिन बाद पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने रविवार को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। वे नर्मदापुरम से 350 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। टीकमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष भक्ति तिवारी ने भी उनके साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। गिरिजा शंकर शर्मा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण शर्मा के सगे भाई हैं। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहा कि हम बीजेपी को मिलकर हराएंगे। नर्मदापुरम सीट से चुनाव लड़ने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी से विधायक उनके सगे भाई हैं, हम साथ साथ रहे हैं। अगर बीजेपी से भाई को टिकट मिलेगा तो भी भाई के सामने ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना प्रचार करेंगे। 33 साल से शर्मा परिवार का नर्मदापुरम विधानसभा सीट पर कब्जा कायम है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सके। कमलनाथ जी ने जिस तरह की आशा का संचार किया है पूरे प्रदेश में, उससे प्रदेश की जनता को भरोसा हो गया है कि आप इस चुनाव में किधर उधर ढूंढने वाले भी कितनी कोशिश कर ले, अब ये सरकार स्थिर सरकार होगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ माननीय कमलनाथ जी, माननीय सुरेश पचौरी जी के सामने, माननीय संजय शर्मा जी के सामने, होशंगाबाद जिले में 2008 से ही पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर जीत रही है। यदि आपके सक्षम नेतृत्व का सहारा मिलता रहा, हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, तो इस बार परिणाम हम पलट देंगे जनता के।